चलो अच्छा हुआ। क्यों? अच्छा क्या हुआ? भाई अम्मी से मिलने की एम्बैरेसमेंट जो नहीं उठानी पड़ी। आप ये पकड़िए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम जी। तुम फरा तो ना, तुम्हारी खाला कह गई थी फरा 10:30 बजे आएगी, उसे घर की चाबियां दे देना। और वो खाला कहाँ है? हाय हाय, गफूर साहब का लड़का एक्सीडेंट में गुजर गया बेचारा, जवान जहान 22 बरस का, मैं खुद उधर ही जा रही हूँ। अल्लाह मेरी तोबा तोबा, पता नहीं माँ की क्या हालत हुई होगी। शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मैं तो चाबी लिए ही बैठी रह जाती। मोहल्ले की सारी औरतें चली गई, अल्लाह मेरी तोबा तोबा। शुक्रिया जी। और हाँ, कपड़े धोने वाली मासी आएगी, बॉर्च खाने की अलमारी में से उसे साबुन की टिकिया निकाल के दे देना। अच्छा जी। और हाँ, गोश भून के रख गई है आपा, कद्दू डाल लेना, आसिफ काली से आने वाला होगा, तुम्हारी खाला कह गई थी। अच्छा मैं जा रही हूँ। ये दरवाजा कैसे खुल गया? जाजी से। चाबी बुआ दे गई। बुआ जी, बुआ जी से बुआ जी को बुलाया ना तो भांडा फूट जाएगा। भांडा? कैसा भांडा? वो समझ रही है कि मैं फरहत हूँ। अच्छा। बड़े मजे से ऑर्डर करके गई है कि गोश्त में कद्दू डाल लेना। पता नहीं आ रही आज अम्मी कहाँ चली गई है। वो किसी गफूर साहब के बेटे की डेथ हो गई है। वैसे ये फरद कौन है? फरद जनाब हमारी कजन है जो आज फैसलाबाद से आने वाली। कैसी है? कैसी होनी है, बस फैसलाबाद के कपड़े ही जैसी है। तो अब क्या करें? तो अब क्या करें, अम्मी तो घर पर है नहीं, और गालिबन तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं करते कि इस खाली घर में मेरे साथ अम्मी का इंतजार कर सको, है ना? नहीं, ये बात नहीं आसिफ, लेकिन मैं चलती हूँ। एक्चुअली देखो, कुछ अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे भाई चलो ना। भाई मैं टैक्सी ले लूंगी, नो फॉर्मेलिटीज। अच्छा, एज विश। लेकिन अंजीब देखो, तुम प्लीज मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा इंप्रेशन साथ मत लेते। मैं बखुदा, मुझे नहीं पता था कि अम्मी घर पर नहीं होंगी, और मेरा ख्याल था कि अब तक तो फरहत भी आ गई होगी। तो मैं चलूं? प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुम्हें चालाकी से अपने साथ यहाँ ले आया था। कैसी बातें करते हो आसिफ। चलो ठीक है, मैं फिर किसी रोज तुम्हें अम्मी से मिलवाने के लिए ले आऊंगा, ठीक है? लेकिन प्लीज 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 कोई गलत बात मेरे मुतालिक मत सोचना। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट इट। गलत बात मेरे मुतालिक मत सोचो।
कौन कौन है? मासी, मासी कौन तुम? कैसे आ गए? वैसे बाहर भी तुम्हें ही ख्याल कैसे आ? मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए नहीं आई, बल्कि कद्दू बनाने के लिए आई। वैसे अम्मा अगर तुम्हें देख लेते ना ये सब काम करते थे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता उनका। वैसे पता नहीं क्यों ये अम्माओं को बहुवचन किस्म की लड़कियां क्यों पसंद होती हैं? क्योंकि उन्हें अपने पेटू किस्म के बेटों का पता होता है। जाइए, जाके चाय का इंतजार कीजिए। जो गंदे बच्चे काम में दखल देंगे उन्हें चाय नहीं मिलेगी, समझे? ठीक है, तो आपके पास डेढ़ मिनट है। डेढ़ मिनट में अगर चाय नहीं बनी तो फिर मैं अब्बा जी की तरह शोर मचाऊंगा और सारे घर को मैं सर्व उठा। सिर्फ डेढ़ मिनट। अच्छा जी। जी जब देखो देर, जब देखो देर। यहां कोई काम वक्त पर होता भी है कि नहीं? डेढ़ मिनट से ज्यादा तो हुआ है। अरे आप खामा खाई शोर मचाना शुरू। चाय डालो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। इतने वादे किए थे तुम्हारे माँ बाप, कल लड़की सलीता शुहार निकलेगी। तुम्हारे हाथ के कड़े हुए मेज पोछ देख कर मेरी माँ फिदा हुई थी तुम। और तुमसे पौन घंटे में चाय नहीं बनी? माहौल बना। पौन घंटा तो नहीं हुआ, सिर्फ डेढ़ मिनट लगाया। आसिफ बड़बड़ मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मजाजी खुदा के आगे जबान नहीं चलाते? और ऊपर से तुम मेरा नाम भी ले रही हो। अच्छा लो लो, सुन, ये चाय है क्या जोशाला? पानी अभी खोला नहीं था और तुमने चाय दम दे दी। दूध अभी जोश पे नहीं आया था और तुमने उसे केतली में डाल दिया। ताजा दूध बच्चों को पिला देती और बासी दूध मेरे लिए। मैं भी किसी का बेटा हूं, नहीं पीता मैं ये चाय। ये जोशांदा, क्या करोगे? हर डरा हुआ शौहर ऐसे ही करता। जब मेरे अब्बा जी अम्मी से डरते थे ना तो वो भी इसी तरह प्यालियां तोड़ते थे। तो तुम भी ऐसे ही क्या करोगे? सिर्फ अब, फिर कभी। चाय अच्छी नहीं थी ना? पता नहीं फिर ऐसी चाय दोबारा नसीब होगी भी क्या। जी क्या सोच? सोचो कि कितना अच्छा घर बना हुआ था ना इसमें, और तुमने कितनी आसानी से दो टुकड़े कर दिए। अरे भाई मैं तुम्हें ऐसी कई प्यालियां ला के देता, ठीक है? ये बात नहीं है, बर्तन टूटना अच्छा शगुन नहीं होता। Thank you.
अंजी ये क्या है, तुमने सारे घर को धूलीदार बना दिया। तुमने सारा वक्त तो कपड़े धोने में लगा दिया, अब उठ भी जाओ का मौन। तो तुम कितना शोर मचाते हो, पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा कि इन क्या कपड़े धुल रहे हैं। अब जरा ये कपड़े रस्सी पे फैलवा दीजिए भाई साहब। जी जरूर। वैसे मुझे कहा किसने कि कपड़े धोने बहुत जरूरी है। ऐसे मेरा दिल चाह रहा है, पता है डैडी का रुमाल धोती हूँ ना, उनसे डैडी की खुशबू आती है। वैसे तुम पता है बड़ी जाहिल लड़की, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो कभी भी कपड़े हाथ से धोने को प्रेफर नहीं करता। आपको पता है मैंने भी कभी कपड़े नहीं धोए और चाय भी नहीं बनाई, लेकिन मुझे आज पता चला कि इन सब कामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। अच्छा चलो साइकिल पर बैठो। क्यों क्यों का क्या मतलब है भाई, तुम्हें सैर कराऊंगा। कहाँ की? अपने घर की, अपने आंगन। अच्छा फिर। वैसे एक बात बताऊं जी, मैं तुम्हें बड़ी ही मॉडर्न लड़की समझ के अम्मी से मिलवाने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अंदर से बिल्कुल फैसलाबाद की फरद की तरह। ये सब तुम्हारा कसूर। वो कैसे जनाब? ये जो ब्राउन आईज होती है ना, जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे करा रहे, इंसान ना भी जाना चाहे ना वहां भी ले जाए। अच्छा राव साइकिल पे बैठ जाओ, जो हुक्म मेरे आका। ये अब्बा जी। तो अब्बा जी तो पगड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहनते। अब तो पगड़ी वगैरह पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? साथ साथ हुए अब्बा जी, हम सब कुछ छोड़ के जा चुके हैं हमेशा के लिए। आपने प्याली क्यों तोड़ी? प्याली ना कभी अब्बा जी तोड़ सके थे और ना ही शायद मैं कभी तोड़ सकता। आसिफ। अच्छा सॉरी मत करना। अच्छा अंजी, अगर अम्मी आ जाए और तुम्हें देख ले और देखकर पसंद भी कर ले तो भी कुछ नहीं होता है ना? क्यों? पापा जी अगर जिंदा भी रहते तो भी कुछ नहीं, बलाखर अम्मा बूढ़ी हो जाती और अब्बा जी। लेकिन क्यों? अंजी हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता और जमाना बहुत तेजी से बदलता है। अब्बा जी जिंदा रहकर भी इतनी जल्दी जल्दी तरक्की नहीं कर सकते। इस साल मैं MBBS का इम्तिहान दे दूंगा, फिर मैं FRCS करने इंग्लैंड चला जाऊंगा और जब मैं इंग्लैंड से वापस आऊंगा तो पता नहीं लोग कितने बदल चुके होंगे, जमाना कहां पहुंच चुका होगा, कितने घर बस चुके होंगे और कितने घर उजड़ चुके होंगे।
तुम एक छोटा सा क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते? प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्या लेना है FRCS करके? देखो आसिफ, एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आंगन हो, उसमें थोड़े से कपड़े हो धोने के लिए। नहीं, आदमी को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। मौत भी होती है कहीं छुपी हुई, और फिर औरत अकेली रह जाती है। अगर घर छोटा सा हो ना और छोटे छोटे से बच्चे हों, तो मुश्किलें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं एक छोटी सी औरत के लिए। तुम कैसी बातें सोच रहे हो आसिफ? सिक्योरिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी जायदाद होनी चाहिए बुरे दिनों के लिए। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, छोटे से घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ। जिंदगी का ये पहला दिन है खुशी का, और इसमें तुम छोड़ देने की बातें कर रहे हो? कितने जालिम हो तुम आसिफ। अजीब, देखो मैं कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुआ, मुझे यकीन है कि मैं FRCS में भी फेल नहीं हुआ। और फिर रंजीव, तुम घबराना नहीं, तुम रोना भी नहीं, तुम देखना मैं कितने अजम के साथ वापस आऊंगा और कितनी बहारें अपने साथ लेके आऊंगा। ये मर्द हमेशा छोड़ देने के बहाने क्यों तलाश करते हैं आसिफ? औरत को सिक्योरिटी देने की बातें क्यों किया करते हैं? उसके खुदा से क्यों बन जाते हैं? आसिफ, हम इस घर में क्यों नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटे घर के मुतालिक सोचना भी नहीं। डैडी भी ऐसी ही बातें करते हैं, लाइफस्टाइल, तरक्की, सिक्योरिटी, क्यों? तुम्हारे डैडी सच्चे आदमी हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। उनसे मिलूंगा तो उन्हें नाउम्मीदी नहीं होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही बहुत खुश होंगे एक दूसरे से मिलकर। आसिफ, तुम लंदन मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। ए लड़की, क्या हो गया तुम? लड़कियां तो अपने बाप के खर्चे पे लड़कों को बाहर भेजती हैं, और तुम हो क्या? देखो मैं बस यूं गया और यूं आया, कैसे यूं, चलो बस दो चेहरा। अभी थोड़ी देर के बाद। देखो अम्मी तो अभी तक आई नहीं है तुम्हारी, तो आधा घंटा और इंतजार कर लूंगी। शाम होने वाली है, अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना चाहिए। कि तुम क्या कर रहे हो आसिफ? अंजी, तुम टैक्सी पर क्यों नहीं चले जाती? देर हो रही है, अंधेरा बढ़ जाएगा। अंजी, अंधेरा किसी को खा तो नहीं जाता। तुम समझते क्यों नहीं हो? अंजी, मुझे डर लगता है। तुम्हें? हाँ, मुझे तुम्हें यहां नहीं जाना चाहिए था अंजी, और अगर तुम आ ही गई थी तो मुझे तुम्हें फौरन यहां से भेज देना चाहिए था, फौरन। शायद सारी जिंदगी बिल्कुल बेमायने गुजरे, फिर ये दिन, ये इकलौता दिल इसमें मायने पैदा कर देता है। सारी जिंदगी का वर्क बेमायने इबारत हो, और उसमें ये एक दिन, सिर्फ ये एक दिन अकेले जुमले की तरह बामायना। नाक बात है। हाँ जी, फिर इस तरह ना आना कि तुम्हें वापस जाना पड़े। मैं इतना बाहिम्मत नहीं।
मुझे छोड़ आओ आसिफ, चलते हैं। एक मिनट, आसिफ प्लीज, अंधेरा हो जाएगा। अंजीब तुम टैक्सी पे चली जाओ, मैं वापसी में रास्ता भूल जाऊंगा। इससे तो फरहत ही आ जाती है। सब आ जाएंगे, सब। और जब सब आ जाएंगे ना तो ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। आसिफ अंजी प्लीज, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना वरना मैं भस्म हो जाऊंगा। चलो तो सही आसिफ, और अभी कई साल पड़े हैं तुम्हारे मेरे दरमियान। तुम लंदन मत जाना आसिफ, यहीं कहीं छोटा सा क्लिनिक खोल लेना, छोटे से घर में, थोड़े से कपड़े धोने के लिए। और तो जैसी बातें मत करो, तुम्हें एक अमीर घराने की पढ़ी लिखी लगती। शौहर खूब कमाने वाला ना हो ना तो बीवी कभी सुखी नहीं बन सकती, सारी जिंदगी कपड़े और बर्तन धोते गुजर जाती है। मैं किसी बेवकूफ लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि शायद कोई भी मर्द ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम दिल में सोचोगी कि मैं कितना बुजदिल हूं, उदास होने वाली मर्द औरतों को अच्छे नहीं लगते, है ना? मैं औरत नहीं हूं। अच्छा तो क्या है जनाब? ड्रैकुला। डरा दिया ना तुम्हें जिंदगी से। चलो अब चलो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हेलो, मैं अभी आया। ऐसे खड़ी होना कि लगे जैसे तुम अंदर आ गई, बल्कि नहीं, ऐसा लगे जैसे जाते जाते मुड़ गई, जैसे कोई पता पूछने आई। आसिफ। अच्छा बाबा, अच्छा रेडी।
देखो शुभदा तुम, हमें तुम्हारे बहाने वाले बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम बस सीधी तरह मेरे साथ घर चलो, खाओ या होटल में पड़े। मेरे भाई तू बैठ तो जा, सांस तो ले लेना जरा। देख सारा दिन तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में होता हूँ और रात को आकर यहाँ पड़ा रहता हूँ। वैसे मेरी पोस्टिंग का बखेड़ा पड़ा हुआ है। तुम फिजूल में परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं यार। एक तो इतने सालों के बाद तुम लंदन से आए हो, उसके ऊपर इतनी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है कि बस मैं ही जानता हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ होटल में छोड़ दूँ? देखो घर चल के आराम से पड़े रहना, वहाँ बहुत बड़ी बूटी है। ओके यार, तू मुझे यहीं रहने दे आराम से, मुझे अब घर की आदत नहीं रही। एक तो डॉक्टरी पास की और तूने मुझे इतला तक नहीं दी, ठीक। उसके बाद FRCS करके तुम यहाँ आ गए और मुझे गैरों से पता चला, अब मैं तुम्हें यहाँ होटल में छोड़ दूँ? यार वहां तू खुद मेहमान है, तेरा अपना घर होता ना तो बात अलग थी। तू मुझे भाई के घर लेके जा रहा है, कल कर खुदा के बंदे। अपना घर नसीब में नहीं है मेरे भाई। क्यों? बस नहीं है। बता तो सही क्या हुआ? बस देखो ये भी एक वाकया है, मैं तुम्हें आराम से सुनाऊंगा। तुम अब घर तो चलो यार, मैनेजर मत करो, ठीक है? अच्छा बाबा, अच्छा चल चलते। तलाश कर रहा हूँ, मैं तो खुद इंग्लैंड में था। तो उसके खत आना क्यों बंद हो गए? तो शायद इंतजार करते करते थक गई होगी, या फिर शायद कोई वजह नहीं होगी और सभी बिछड़ जाते हैं। अब तुमसे अच्छा आदमी उसे कहाँ मिला? नहीं अच्छा मेरी बात छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। अब आप बड़े हो गए, शादी कीजिए, किसका इंतजार करें बड़े हुए आप? मैंने उसे अचानक एयरपोर्ट पर देखा था, शायद किसी से मिलने आएंगे। उसने मेरे पास आकर इंक्वायरी पर पूछा था। देखिए PIA की 213 चली गई है या है? नहीं फ्लाइट तो अभी नहीं गई है, लेकिन पैसेंजर सारे बोर्ड हो गए। पता नहीं आसिफ उस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी कि जिस वक्त वो एयरपोर्ट से निकली मैं भी उसके दांतों का पीछा निकल पाया। जब वो बाहर आ रही थी तो वो इतना रो रही थी और उसे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि इतने लोग उसे देख रहे हैं। बस वो बड़ी दिल शिकस्ता थी, शायद ऐसी शिकस्ता दिल और बदनसीब लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन उसे देखने के बाद मैं हमेशा के लिए शिकस्ता दिल। उसकी फैमिली वैसे बड़ी तालीमी याफ्ता और अमीर थी, मुझे उनके घर आने जाने में कभी कोई दिक्कत पेश नहीं हुई। लेकिन आसिफ उसका रवैया कुछ कभी कभार ठीक नहीं होता था, वो बैठे बैठे उखड़ जाती थी, हंसते हंसते रोने लगती थी, बातें करते करते बिल्कुल चुप चुप हो जाती थी। सच बोलोगी? कोशिश करूंगी। उस रोज तुम एयरपोर्ट पर किसे छोड़ने गई थी? एक ख्वाब को अलविदा कहने गई थी। कौन था वो? देखो खुरम, मैंने कभी तुम्हारे माजी के मुतालिक जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा अख्तियार नहीं था उस पर मेरा अख्तियार कैसे हो जाए? बहुत साथ रहे थे तुम दोनों। सिर्फ एक दिन, लेकिन वो एक दिन इतना बड़ा नखलस्तान था कि अगर मेरी सारी जिंदगी
रेगिस्तान बन के उसके इर्द गिर्द फैल जाए ना, तो भी उस नखलिस्तान की हरियावल और ठंडक कम नहीं हो सकती। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तुमने अचानक अपनी हमदर्दी से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कैसे? मैंने उसे भूलने के लिए तुम में पना ली, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं उससे कहीं नहीं छुप सकती। वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, मेरे लिए पना मुमकिन नहीं है। अगर वो मर भी जाए ना, तो भी मुझे पना नहीं मिलेगी आखिरी सांस तक। तो फिर अब तुम्हारी क्या सलाह है? नाराज मत होना करूं, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैंने उसे खत लिखने बंद कर दिए। एक्चुअली मैं तुमसे इंप्रेस नहीं हुई थी, मैं उससे नाराज हो गई थी। अब जबकि उसके खत आने बंद हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, खुर्रम, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इस दिल पे मेरा अख्तियार नहीं है। फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं पर, यू हैव बीन नाइस टू मी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से शादी करूंगी, अम्मी अब्बू की पसंद की शादी, जो मुझसे कोई तवक्को ना रखे, ना मोहब्बत की ना आंसू की। मैं उससे सिर्फ घर और सिक्योरिटी चाहती हूँ। घर और सिक्योरिटी तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। नो 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 खुर्रम, ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे तजुर्बा होगा। तुम चाहोगे कि मैं तुमसे वैसे ही मोहब्बत करूं जैसे तुम्हें मुझसे हो गई है, लेकिन मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम अपने डैडी की पसंद से शादी करोगी? जिसके मुतालिक ना मुझे इल्म हो, ना मैंने उसे कभी देखा। अगर वो मुझे कुछ ना दे सके तो मुझे गिला ना हो, और अगर मैं उसे कुछ ना दे सकूं तो वो बिलबिलाए नहीं तुम्हारी तरह। तुम आज इतनी सख्त बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। ये है वो लड़की जिसे मैं एयरपोर्ट पर मिला। जब इसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैंने अपनी ट्रांसफर करवा ली। तो पता नहीं कैसे और क्यों हरचंद ने अंजी को देखे बगैर उससे शादी कर ली। मानते हो ना, ये दुनिया भी कितनी अजीब शह है। अब बताओ आसिफ, ये कैसी सितम जरीफी है कुदरत की। ये चाय, सूरज की सिफत है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं तुलू हो रहा होता है। जब हम समझते हैं कि वो हमेशा के लिए गुरूब हो चुका है, उस वक्त वो कहीं दिन की रोशनी लेकर उभरता हुआ नजर आता है। अब तुम बताओ, ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ रहना चाहिए? भाईजान है कि वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देते और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसीलिए तो मैं तुम्हें विजिट लाया था, अपनी सेफ्टी के लिए। अब बोलो मैं क्या करूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद यही सोच रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं।